हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बात करने वाले हैं कि आप अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट को परमानेंट के लिए कैसे डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स अब आपको सबसे पहले अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अब आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस आया था। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपको एडिट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स प्रकार से आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाती है। फ्रेंड्स अब आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है डीएक्टिवेट अकाउंट। फ्रेंड्स अब आपको इस पर क्लिक करना है। अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के लिए फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड कंफर्म करने के लिए डालना है। पासवर्ड डालने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फ्रेंड्स अब आपको कंफर्म डीएक्टिवेशन पर क्लिक करना है। अभी आपसे पूछा कि आप अकाउंट डीएक्टिवेट करने के लिए श्योर है, श्योर होने के लिए आपको फ्रेंड्स ओके पर क्लिक करना है। आपको थोड़ा सा वेट करना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आप देख सकते हो फ्रेंड्स मेरा अकाउंट यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स प्रकार से अगर आप अपने अकाउंट को 30 दिनों के अंदर लॉग इन नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स प्रकार से आपका अकाउंट परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स प्रकार से फ्लिपकार्ट अकाउंट को परमानेंट के लिए डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।